नगर पालिका परिषद हापुड़ के चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी मानवी सिंह के जनसंपर्क के दौरान शनिवार को गजब का उत्साह देखने को मिला। मोहल्ला निवासीपुरा में समर्थन देने उमड़े जनसैलाब के प्यार और समर्थन को देखकर वह गदगद हो उठी। कांग्रेस प्रत्याशी मानवी सिंह ने कहा कि उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो वह वादा कर रही हैं चेयरमैन बनने पर अवश्य पूरा करेंगी। कांग्रेस ही भाजपा का विकल्प है। सारी मीटिंग करी है और हम वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि तू जा बेटी बेफिक्र रह, हमने बढ़ चढ़ कर मोनू को भी वोट दिया था और इस बार हाथ के तरीके पर भी वोट देते तुझे चेयरमैन बनाएंगे। अब क्या हमें करना है कि हम 11 तारीख तक कितनी ज्यादा से ज्यादा वोटों से मैं चहुंमुखी विकास किया। उन्होंने किसी के अंदर भी किसी के लिए भी ये नहीं सोचा ये छोटा है या बड़ा है, इसका काम करूं या इसका ना करूं, किसने वोट दिया है इसने वोट भी नहीं दिया। उपस्थित सभी लोगों को सभा में मेरा आदाब। मैं एक वादे से शुरुआत करूंगी। अभी यहाँ आते आते मैंने देखा नालों की क्या हालत है, बहुत बुरी। ये नाले ऐसे साफ भी नहीं हो पाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको, नाले ऐसे साफ भी नहीं हो पाएंगे, इनकी मशीनों की जरूरत है, इन्हें तब साफ हो पाएंगे ये नाले। अगर मैं चेयरमैन बनी तो सबसे पहला काम यही कराऊंगी, वादा है मेरा आपसे ये। धर्मपाल की बेटी हूँ, वादा किया है तो निभाऊंगी भी। सड़कें भी चौड़ी होनी चाहिए यहाँ की, जो मैं देख रही हूँ। दूसरा वादा मेरा ये है कि सड़कें भी चौड़ी होंगी। अब बात करूंगी मैं चुनाव की। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं कन्वेंसिंग के दौरान, जैसे भाई ने कहा कि मुझे समर्थन मिला पूरा अपने दलित समाज से, ये सच है। मैं बड़ी गदगद होकर आई हूं और यहाँ की पब्लिक को देख के उससे ज्यादा गदगद हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी एकजुट हो जाए। मत सोचिए किस किसको वोट करनी है किसको नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये दिमाग में लगाना है धर्मपाल की बेटी को वोट करनी है और इंशाल्लाह जो बोल रही हूँ करके दिखाऊंगी। बस एक बार मौका दे दीजिए, बस एक बार मौका दे दीजिए। पार्टी की अगर पार्टी की बात करें तो मैंने पार्टी ज्वाइन इसलिए की है, मैं प्रियंका दीदी का संघर्ष देख रही हूँ, राहुल जी का संघर्ष देख रही हूँ। बीजेपी का विकल्प ही सिर्फ कांग्रेस है, ये सब जानते हैं।